उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं। प्रशांत जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये जो वेबसाइट मेरे हाथ में है जस्टिस फॉर हाथरस, क्या इसके बारे में ये पता चल पाया किन लोगों ने शुरू की? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए इस थ्योरी को योगी सरकार या सरकार प्रोपेगेट कर रही है ताकि अपनी गलतियों को छुपा सके। क्या ये सच है और कितने प्रूफ्स हैं आपके? और ये भी सवाल उठाए कि यूएपीए में क्यों नहीं इन लोगों को बुक किया गया जो ऐसा कर रहे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आई है, उन सभी तथ्यों के विचारण के लिए एक अभियोग पंजीकृत किया गया है हाथरस में और उसकी विवेचना चल रही है। ये अभियोग अभी पंजीकृत ही हुआ है और धीरे धीरे हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक फेक वेबसाइट और इत्यादि की जो बातें आप कर रहे हैं वो हमारे करने से या किसी के कहने से नहीं होगा। अगर हम करने से या किसी के कहने से नहीं होगा, अगर हम उस पे आगे बढ़ेंगे और तथ्यों को अंतिम बार जाके कोर्ट में भी प्रूफ करना होता है, तो इसलिए हम सभी चीज़ों को के कड़ी से कड़ी मिला के आगे बढ़ेंगे। और आज हमने स्वयं भी चीज़ें की हैं। अभी हम लोगों ने केवल जो वेबसाइट इत्यादि पे धार्मिक उन्माद या जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की जो पोस्ट थे या ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स थे उसमें कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें विवेचना भी आगे बढ़ेगी, तब कार्रवाई होगी। अब दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगा सर, मुख्यमंत्री जी ने आज एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम लिया है। हाल ही में यह संस्था कई बार विवादों में रही है, क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम भी इस सिलसिले में आया है आपकी जांच में सामने? ये जैसा मैंने कहा कि जब हम पूरे तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं और जैसे ही इस तरह की चीज़ें संज्ञान में आई हैं, ये बात अवश्य है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी की चीज़ें आ रही हैं। जैसे परत दर परत चीज़ें खुलेंगी, हम तत्समय मीडिया से उस बातों को शेयर करेंगे। क्या इसमें फॉरेन फंडिंग या इस तरह की भी कोई बात सामने आ रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से दंगे कराए गए, बेंगलोर में कराए गए, कुछ अन्य इलाकों में हिंसा फैलाई गई, उसी मॉडल पर यहाँ पर कुछ होने वाला था। और क्या आपको कुछ राजनीतिक लोगों के संलिप्तता के शुरुआती प्रमाण मिले हैं एडीजी साहब? नहीं, देखिए ये काफ़ी ऐसा बिंदु है जिसको अभी तत्कालिक रूप से कहना सही नहीं है। मैंने आपको इतना ज़रूर बताया कि साजिश की चीज़ें आ रही हैं और बहुत जल्द इन चीज़ों का खुलासा होगा। कुछ संगठनों का, कुछ व्यक्ति विशेष का, जिन्होंने जानबूझ के, आपने देखा होगा कि 18 तक किसी तरह की कोई बात नहीं थी, 18 के बाद से कुछ लोगों ने इस तथ्यों को तोड़ मरोड़ के मीडिया के सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला, जबकि लगातार शुरू से ही इसमें जो पीड़िता थी या उनके फैमिली वाले थे उनके कहने के अनुसार ही सभी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो FIR पंजीकृत करने का मामला हो या फिर इसमें धाराओं को बढ़ाने का मामला हो, गिरफ्तारी का मामला हो। और आपको पता ही होगा कि AMU ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर कोई ऐसा सरकार का नहीं होता, फिर भी हम लोगों ने वहाँ इनका इलाज कराया और बार बार घर वालों को कहा गया कि बेहतर जगह पे आप जा सकते हैं और स्पाइन के इलाज के लिए, जिससे उन्होंने मना किया। और अंत में फिर जब वो राजी हुए तो हम लोग सफदरजंग उनको ले गए। अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक दिन के बाद ही पीड़िता की मृत्यु हो गई। उसके बाद से आपने देखा होगा कि पोस्टमार्टम के बाद ही लगभग 9-9.5 घंटे तक दिल्ली पुलिस के साथ वहाँ प्रदर्शन चलता रहा, लोगों ने डेड बॉडी उठाने नहीं दिया। अंत में जब रात को 10:30 बजे 10:45 बजे जाके फैमिली के साथ बॉडी वहाँ गई, ऐसी वहाँ लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी और CRPF की कंपनियाँ भी लगानी पड़ी थी ताकि कोई शांति व्यवस्था भंग न हो जाए।
आपके पास क्या लोकल इंटेलिजेंस से जानकारी थी कि किसी तरह की साजिश हो रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से कोई मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रही है या जातिगत हिंसा की तरफ मामले को धकेला जा रहा है, क्या इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे? क्योंकि ये जो मामला है वो डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, मैं यहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट भी थे कि एक सुनियोजित ढंग से चीज़ों को रख के और व्यापक हिंसा का की संभावना है और इससे जातीय और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है और उसको देखते हुए ही मद्देनज़र रखते हुए ही स्थानीय प्रशासन ने समय समय पर जो निर्णय लिए हैं वो किया गया है, ताकि उसके बाद से आपने देखा होगा कि SIT का भी गठन किया गया और फिर पूरी शुचिता और पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए राज्य सरकार ने CBI के लिए भी अनुशंसा अपनी कर दी है और ऐसी स्थिति में कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाती कि जिससे कि कोई हमें कोई बात छुपानी हो। एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा सर, ये जो कॉन्स्पिरेसी का मामला है अब इसकी जांच कौन कर रहा है? क्या इसके लिए भी कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या SIT का गठन हो रहा है जो इन तमाम फैक्टर्स को फैक्टर इन करे, चाहे जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट हो, आपके इंटेलिजेंस इनपुट हो, किस आदमी का सोशल मीडिया पर क्या रोल रहा है, कौन इसकी जाँच करेगा? कोई स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करने जा रही है सरकार और क्या डेडलाइन होगी इसकी जाँच? नहीं, जो हमारे लोकल टीम है और महानिदेशक कार्यालय से इन चीज़ों को लगातार मॉनिटर किया जाता है, उनके सभी तरह के उनको टेक्निकल सपोर्ट सभी एजेंसियों से मिल रहा है और हम जो इंफॉर्मेशन अगर हम बाहर की एजेंसी से भी चाहेंगे वो हम लेंगे और उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे और इसमें किसी भी व्यक्ति को जो कि साजिश में शामिल है, आपको वैचारिक भिन्नता हो सकती है उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक साजिश के तहत इन चीज़ों को करना और जबकि हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स हैं इसके, तो इन सभी चीज़ों को हम खंगालेंगे और मेरिट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे।